नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि मात्र 3 दिन रह गए हैं। दोस्तों, कोई कितना भी आपका हाथ पांव जोड़े, परंतु आपको अपने घर से इस चीज़ का दान भूल कर भी नहीं करना है, या एक चीज़ को आपको किसी को भूल कर भी नहीं देना है। वरना दोस्तों, आप सभी के जून काल में बिल्कुल ही आने वाले 3 महीनों के अंदर बड़ा ही संकट छा जाएगा, बड़ी ही समस्या आप सभी के जून काल में आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम इस बात की दावा करते हैं कि अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि दोस्तों आप कितने बड़े गलती कर रहे थे। और दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके जून काल में पिछले कई समस्या है। जी दोस्तों, ये सारी समस्याएँ अब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर आप कौन सी चीज़ों का दान कर देते हैं, आखिर कौन सी चीज़ आप किसी के कहने पर किसी को दे देते हैं जिनकी वजह से आपको भारी नुकसान होता है। घरों की स्थिति बदल चुकी है और दोस्तों मात्र 3 दिन ही रह गए हैं, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम, जो भी माता लक्ष्मी के, जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी और वैभव के दाता भगवान श्री हरि विष्णु जी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल के आपके सारी समस्याएं, संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों अब आपकी बात करते हैं आपके जीवन काल की पूरी तरह से। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप लोग पिछले समय से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन दोस्तों आपको परेशानी क्यों हो रहे हैं, आपके जीवन काल में अब नया मोड आएंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो से आपको आपके जीवन काल में काफ़ी तरक्की आएगा। जी दोस्तों, बस दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात आप सभी को बताने वाले हैं, जो चीज़ समझाने वाले हैं दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा। दोस्तों ये बात हम आपको हर एक बार इसलिए बताते हैं ताकि आप वीडियो को हर बार स्किप कर देते हैं। जी दोस्तों, इससे आपके जीवन काल में समस्याएँ समाप्त नहीं होंगी अपितु समस्याएँ और भी बढ़ जाएंगी। कि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा मुश्किलदायक और नुकसानदायक साबित होता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अंत तक। कोई भी वीडियो देखे हो या फिर ना देखे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और दोस्तों जो भी बात हम आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, आप उन्हें समझने का भी प्रयास कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपके जून काल में पेशों की समस्याएँ बढ़ गई है, बहुत सारी परेशानियाँ आपके जून काल में लंबे समय से चल रही है। अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने पिछले समय बहुत ही अच्छा मेहनत भी किया था और उनका परिणाम भी बहुत अच्छा था, और पिछले समय की जो स्थिति थी आपको अभी की स्थिति से बहुत ही अच्छी थी। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पहले आपके जीवन काल में कार्य था, रोजगार था, पहले आप जिस कार्य को करते थे दोस्तों उनमें आपको सफलता की प्राप्ति होती थी, लोग, घर परिवार के लोग आपको सहयोग करते थे, लेकिन दोस्तों अभी के दौर में आपके बहुत सारे शत्रु बन चुके हैं, बहुत सारे अपने लोग ही आपके ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको नीचा गिराने की वह कोशिश करते रहते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जुनकाल में सफल हो रहे हैं, दोस्तों ये चीज़ उनकी आंखों में चुभती है, और दोस्तों हमेशा वो कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र रचते रहता है जिनसे आपके कार्य भंग हो जाए, जिनसे आपका मस्तिष्क में ऐसी विषम स्थिति प्रकट हो जाए जिनसे दोस्तों आप अपने कार्यों को खुद ही मोड़ लें, आपका मति को वो छिन्न भिन्न करना चाहता है। दोस्तों बहुत सारे षड्यंत्र आपके ऊपर या लोग कर रहे हैं। जी दोस्तों,
पिछले समय जो लोग आपके साथ थे यह समय वो लोग आपके दुश्मन बन गए हैं। दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही परेशानीदायक है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनमें रोने से कोई भी आपका काम नहीं बनेगा। दोस्तों ये लोग शत्रु बने हैं तो दोस्तों इनमें आपका ही कारण है। दोस्तों आप अपनी ही वजह से अपने जुनकाल में संकट खड़े किए हैं। दोस्तों इस बात को आपको मानना होगा। दोस्तों पिछले कई समय से ये लोग आपके साथ रहकर आपके ऊपर दोस्तों बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं किए हैं। आपके ही घर से दोस्तों ये बहुत सारी सामान ले जाकर आपके ऊपर इन्होंने काला जादू किया है। बहुत कुछ ये लोग आपसे मांग लेते थे और दोस्तों आप इन्हें अपना कहकर दे देते थे, और दोस्तों उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी शक्तियाँ आपके पीछे छोड़ दिए हैं, जिनके कारण दोस्तों आपका कार्यभार भी भंग हो गया है, जिससे आपका व्यापार भी पूरी तरह से ठप होने वाला है या फिर किसी का तो हो भी चुका होगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि वक्त अभी भी आपके ही पास है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ जाता है उनके जुनकाल में समस्याएँ कभी नहीं आती। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हम आप सभी की थोड़ी सी जीवन काल की आपके स्वभाव की बात करें तो दोस्तों आपका स्वभाव हमेशा सभी के प्रति अच्छा रहा है। आप दोस्तों किसी के प्रति अपने अंदर कोई बुरा ख्याल नहीं लाए हैं और ना ही दोस्तों किसी की क्षति पहुंचाने के बारे में आपने कभी सोचा है। दोस्तों आप दूसरों के तरक्की से कभी नहीं जलते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि आप जिसे सफल हुए हैं लोग भी अपने जुनकाल में सफल हो, हमें उनसे क्या। दोस्तों वो लोग अगर मेहनत करते हैं तो वो अपने जुनकाल में सफल होते हैं। दोस्तों ऐसी स्वच्छ धारणाएँ आपकी राशि के लोगों के जीवन काल में होती है, लेकिन दोस्तों वहीं कुछ विपरीत बुद्धि के लोग, विपरीत आत्माएं के लोग जो कि दोस्तों अपने मन में बहुत सारे बुरे ख्याल लाते हैं और आपके ही साथ रहकर दोस्तों आपके ही क्षति करने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों अब आपको संभलना है। अब दोस्तों आपने जो भी गलती की है दोस्तों उनका पछतावा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी गलती तुमसे हुई है वो तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे जीवन में जीने का तुम्हें एक नया रास्ता है, तुम्हें कुछ सीखने के लिए हमने कुछ तुम्हें दिया है। तो दोस्तों भगवान ने ही आपके जीवनकाल में ये सारे जो है रास्ते दिए हैं जिनमें आपको चलना है, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखना है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पिछले समय आपके साथ रहकर आपके साथ छल किए हैं, आपको धोखा दिए हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, तो दोस्तों अब आपको सावधान हो जाना है ताकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको क्षति ना पहुंचा सके, आपके ऊपर कोई भी ऐसी षड्यंत्र ना कर सके जिनसे आपका नुकसान हो जाए, जिनसे आप संकट में आ जाए। तो दोस्तों ऐसे कौन से कार्य हैं, कौन सी विधि है, कौन से उपाय हैं, सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बहुत ही विस्तार तरीके से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को आप अंत तक और भी देख ही लीजिएगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी जातक यहाँ तक आए हैं वो बिल्कुल ही यहाँ से मत जाइएगा, वरना दोस्तों आप सभी के जुनकाल में खाली हाथ ही रह जाएगा। दोस्तों ज्ञान अधूरा बहुत ही मुश्किलदायक, बहुत ही नुकसानदायक होता है। दोस्तों बीच राह में आप फंस जाएंगे। दोस्तों यह गलती बिल्कुल भी मत करना कि यहाँ से आप वीडियो को छोड़ दें। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवनकाल में कुछ चीज़ों का दान किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों अक्सर जो भी शत्रु होते हैं, जो भी दुश्मन होते हैं, वो दोस्तों आपके कार्य को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जब दोस्तों उनसे सभी कार्य नहीं होते हैं तो दोस्तों वो काली शक्तियों का प्रयोग करते हैं, दोस्तों बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए दोस्तों बुरी शक्तियां तभी काम करते हैं जब आपका वस्तु उनके पास हो। जी दोस्तों, इसलिए कोई भी वस्तु वे आपके घर से मांग के ले जाते हैं और दोस्तों आप उन्हें दे देते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आज से आपको अपने जुनकाल में किसी को भी भूल कर भी नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का शीर्षक मात्र 3 दिन रह गए हैं इसलिए है, क्योंकि दोस्तों यह बुरी शक्ति फिर से आप सभी के जीवन काल में आने वाली है और आपसे कुछ ना कुछ यह मांगने वाली है। और दोस्तों ये जो लोग हैं, ये जो
आपके अपने लोग हैं जो षड्यंत्र करते हैं, जो आपके घर में आकर आपसे जो वस्तुएं मांगते हैं दोस्तों आप उन्हें दे देते हैं। तो दोस्तों कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अब आपको उन्हें भूल कर भी नहीं देना है? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहला गलती अब आपको भूल कर यह नहीं करनी है कि दोस्तों जो भी आज के चैनल पर नए हैं, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों जो लोग बुरे शक्तियों के साथ रहते हैं उनके ख्यालात भी बुरे होते हैं, और दोस्तों जो लोग अच्छी चीज़ों के साथ रहते हैं उनके ख्यालात भी, उनके विचार, उनकी आने वाली शक्तियाँ भी सकारात्मक होती है। दोस्तों इस चैनल में हमेशा आपके राशि के सकारात्मक विचार बताए जाएंगे, जिनसे दोस्तों आपके मन मस्तिष्क में हमेशा अच्छी धारणाएँ बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि पूरे विस्तार से कौन से चीज़ों को अब आपको किसी को भी दान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि जब भी आप अपने जीवन काल में सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ दान कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो लोग आपके अपने हो, कितने भी करीबी हो, लेकिन दोस्तों इन सभी बातों का भूल कर भी जो है दोस्तों नज़रअंदाज ना करें, इन्हें अनदेखा ना करें जो बात हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज़ है जिन्हें आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है, वो है दोस्तों आपके घर के रुपये। दोस्तों घर का रुपया पेशा अगर आप किसी को भी शाम के बाद दे देते हैं, जी हाँ दोस्तों शाम के बाद किसी को भी आप रुपया पेशा देते हैं, तो दोस्तों इनसे माता लक्ष्मी, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जीवन काल से नाराज़ हो जाती है। दोस्तों शाम के समय दोस्तों कभी भी किसी को आप भूल कर भी पेशों का दान ना कीजिएगा, दोस्तों इनसे आपके घर से माता लक्ष्मी ही चली जाएंगी। शाम के बाद अगर आप किसी को धन देते हैं, चाहे दोस्तों वो कितने भी बड़े बुरी परिस्थितियों में हो, लेकिन दोस्तों धन का व्यय आपको बिल्कुल भी शाम के बाद नहीं करना है, ना ही आपको उधार देना है। जी हाँ दोस्तों, धन दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी है, और अगर आप उन्हें किसी को सूर्यास्त के बाद दे देंगे तो दोस्तों अपने ही हाथों से आप अपने भाग्य को किसी और को दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप भूल कर भी अपने जीवन काल में यह गलती ना करें। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में ये गलती किए हैं कि सूर्यास्त के बाद भी उन्होंने ये धन को माता लक्ष्मी को ही अपने घर से विदा कर दिए हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें। अगर आपने ऐसे किए हैं तो कौन से उपाय आपको करना चाहिए, दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सूर्यास्त के बाद भी आप सभी को किसी को दूध नहीं देना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों दूध का संबंध सीधे सीधे भगवान श्री विष्णु जी से और माता लक्ष्मी जी से है, और दोस्तों जो भी व्यक्ति ऐसा करता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद यदि आप किसी को भी दूध दे देते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपके जीवन काल से रुष्ट हो जाती है, और दोस्तों घर में कभी बरकत नहीं होने लगती है, बरकत पूरी तरह से खत्म होने लगती है, आपके घर में बिल्कुल भी दोस्तों बरकत नहीं रहती। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के बाद से आप सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध ना दें। जी दोस्तों अगर आप दूध का व्यापार करते हैं तो दोस्तों आप उन्हें कहें कि सूर्यास्त से पहले ही दूध ले जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को बता दें कि दोस्तों दूध का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु जी से है, माता लक्ष्मी इनसे रूठ जाती है, तो दोस्तों अपने जीवन काल में बस आप इन सभी का ध्यान रखें। दोस्तों यश में भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट ना रहे, इसलिए दोस्तों आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सूर्यास्त के बाद आप किसी को हल्दी भी ना दें। जी हाँ दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध सीधे सीधे गुरु से है। जी हाँ दोस्तों, और हल्दी का संबंध जब गुरु से है तो दोस्तों गुरु धन के कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके गुरु कमज़ोर हो जाती है तो दोस्तों आपके पास धन वैभव की कमी होने लगती है, समाज में आपका मान सम्मान नीचे होने लगता है, लोग आपकी भावनाओं की कदर करना भूल जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी आपके जीवन काल में संकट इससे आने लगता है। तो दोस्तों भूल कर भी आप सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी का दान करें।
दोस्तों चाहे वह कितना भी हाथ पांव जोड़े, कितना भी आपसे मांगे, लेकिन दोस्तों भूलकर भी आप इस चीज़ का दान न करें। दोस्तों हो सकता है कि आपके ही शत्रु सूर्यास्त के बाद जानकर ये चीज़ें मांग रही हो, ताकि दोस्तों इन्हें लेकर वह अपने जुनकाल में वह शक्तियों का प्रयोग करके आपको दोस्तों नुकसान पहुंचाए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो कि दोस्तों आपके घर के चीज़ों को ले जाकर शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं कर देती है, और दोस्तों उसी चीज़ से वे भूत वे छाया आपके पीछे चली आती है, आपके घर चले आते हैं और आपके घर परिवार को दोस्तों कष्ट देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों भूल कर भी आप इन सब चीज़ों का दोस्तों यश में दान ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि शत्रु हमेशा अपने जुनकाल में अपने दुश्मनों को परेशान करने के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए दोस्तों यश में आपको अगर अपने गुरु को कमज़ोर नहीं होने देना है तो दोस्तों हल्दी का दान मत कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों यश में सूर्यास्त के बाद आप किसी को लहसुन और प्याज को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में लहसुन और प्याज का संबंध किससे माना जाता है? दोस्तों केतु से माना जाता है। दोस्तों केतु ग्रह हमेशा जादू टोना से संबंध होती है, वे खतरों से संबंध होती है। जी दोस्तों जिसके जुनकाल में केतु ग्रह प्रबल हो जाए तो दोस्तों उनके जुनकाल में नुकसान बहुत ही जल्दी आती है, बहुत ही कारोबार उनके बिगड़ने लगते हैं, उनके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का असर बहुत ही जल्दी होने लगता है। जी दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोस्तों भूतों का छाया बहुत ही जल्दी आ जाता है, डर बहुत ज़्यादा लगने लगता है। दोस्तों इनका वजह यही है कि आपका केतु आपके ऊपर प्रबल हो चुका है। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि भूल कर भी आप शाम के बाद किसी को लहसुन और प्याज को दान मत दीजिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। दोस्तों अगर आप दुकानदार हैं, दुकान चला रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों घर से दोस्तों ये सब चीज़ों का दान किसी और को मत दीजिएगा। कोई कितना भी मांगे दोस्तों आपको भूल कर भी मत दीजिएगा। दोस्तों इनसे आप शिवी के जुनकाल में टोने टोटके हो सकते हैं, इनसे दोस्तों आप शिवी का नुकसान बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, और ख़ासकर दोस्तों आप देखेंगे कि रविवार के दिन तो लोग इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं, जिनसे उसका दुश्मनी है दोस्तों उनके घर में ये चीज़ मांगते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दिए कि अगर आप यह गलती किए हैं तो दोस्तों अब भूल कर भी मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दी कि ऐसा करने से साथ ही साथ घर से बरकत भी चली जाएगी, हमारा आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगा, धन की दिक्कत आएगी। जी दोस्तों समय आपके हाथ में है, इन्हें दोस्तों आपको संभाल कर रखना होगा, और ये सभी गलती आपको अब भूल कर भी नहीं करना है। जी दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप यह चीज़ देखे होंगे कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के रुमाल का प्रयोग करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाव पैदा होता है और वह पेशे के नुकसान को भी झेलते हैं। जी हाँ दोस्तों किसी का रुमाल का आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपसी मतभेद होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है, और दोस्तों दोनों के बीच पेशों का भी दिक्कत आने लगती है, बहुत सारी संभावना इनसे प्रबल हो जाती है। सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति आपसे धन मांगे तो दोस्तों भूल कर भी उधार ना दें, ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, आपका घर से धन वापस चली जाती है, इनकी संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों घर से धन की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, कर्ज में बढ़ोतरी होने लगती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद आप किसी को भी धन ना दें। जी दोस्तों दोस्तों आप शुभ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ आप सभी को बता दें, अक्सर दोस्तों आप देखते होंगे कि खासकर महिलाएं जो होती है वे कपड़े के साथ बहुत सारे गहने मैच पहनते हैं, और गहने अगर अपना ना हो तो दोस्तों दूसरे के गहने मांग कर पहन लेती है, कपड़े मैच करने के लिए उन्हें दूसरे का भी गहना ले लेती है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है, ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब होगा बल्कि दूसरे की जो भी ग्रहों में समस्या है दोस्तों उनकी समस्या भी आपके जुनकाल में आ जाएंगी। उनके जुनकाल में अगर आर्थिक समस्या है तो दोस्तों आपके भी जुनकाल में वह आर्थिक समस्याएं आ जाएंगी, और दोस्तों वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा
नुकसान का कारक है और दोस्तों बहुत सारे लोग इसे कार्य करते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोई अगर वह चीज़ पहना है तो आप भूल कर भी मत कीजिएगा, मत पहनिएगा। दोस्तों इससे स्वास्थ्य के साथ साथ ग्रहों की भी दशा खराब हो जाती है और बुरे ग्रह आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आ जाए, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप साफ साफ इनकार कर दें, इनमें ही आपकी भलाई है। दोस्तों नमक को उधार देने से घर की जो है बरकत चली जाती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी नमक उधार ना दें, इससे दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत सारी दिक्कत आती है। कारोबार में जो भी स्थिति अच्छी चल रही है दोस्तों वह रुक जाएगी। नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों वह अभी शुरू नहीं हो पाएगी, शुरू होने से पहले ही वह बंद हो जाएगी। दोस्तों इसलिए इन सभी बातों को आप ध्यान रखें। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि इनसे कर्ज की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जी दोस्तों, अगर आप किसी को पैसे उधार दिए हैं तो दोस्तों वह पैसा फंस जाता है, वह व्यक्ति आपको वापस नहीं करता, पैसे की समस्याएं या नमक से बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल ही आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि इनके बाद आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कोई भी कोई वस्त्र पहनता है, दोस्तों उनके पहने वस्त्र को आप बिल्कुल ही ना पहने, इससे दोस्तों आपके ओरा उनके ओरा में बुरा प्रभाव डालती है। दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति सामने होता है उसके साथ खड़े होने से उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। इसी प्रकार दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आप किसी के पहने कपड़े को बिल्कुल ही मत पहनिएगा, इसी आपके अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी। अगर आप उन कपड़ों को पहनते हैं तो दोस्तों आपके अंदर बुरी एनर्जी का असर रहेगा और हमेशा आपको असफलताएँ और दुर्भाग्य हाथ लगेगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। जी दोस्तों, किसी के पहने घड़ी का भी प्रयोग आपको नहीं करना है। जी दोस्तों, अगर आप ऐसा करती हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही आप इन सभी चीज़ों को बंद कर दें। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। दोस्तों इनसे अक्सर जीवन काल में समस्याएं बनती रहती है, काफ़ी अड़चने आती है। दोस्तों किस्मत बहुत बार खराब हो जाती है, बहुत सारे कार्य आपके हाथ में आते आते बिगड़ जाते हैं, बनते बनते कार्य रुक जाते हैं। दोस्तों इन्हीं सब कारण दोस्तों किसी और के उपयोग की हुई वस्तुओं को अगर आप अपने जीवन काल में उपयोग करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए उनके जीवन काल की ओरा, उनके जीवन काल के ग्रह दशा भी आपके जीवन काल में आ जाएंगी, जिनके कारण दोस्तों दुर्भाग्य आपके जीवन काल में आ जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हमें हमेशा भगवान के दिए हुए चीज़ों को रखना चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि आपने जो भी हमें दिया है हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम हमेशा उसके लिए आभारी रहेंगे। अजय दोस्तों, ईश्वर जो भी हमें देता है हमेशा सोच समझ कर ही देता है, जो हमारे लिए अच्छा है वही देता है। और दोस्तों उन सब चीज़ों को नकार के आप किसी और से मांग लेते हैं और दोस्तों उन सब चीज़ों को पहनते हैं तो दोस्तों इनसे भी आपके जीवन काल में सबसे ज़्यादा ईश्वर भी रुष्ट होते हैं। तो दोस्तों यह बातों को भी अगर आप समझ गए हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी लोग अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करते हैं कि जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने घर में भी कुछ वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए, इनसे भी जीवन काल में बहुत ही दरिद्रता आती है, घर में पैसों की समस्याएं आती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर में टूटे हुए बर्तन को रखते हैं तो दोस्तों आपके जीवन काल में आप दुर्भाग्य को अपने जीवन काल में ला रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार जिनके भी घर में टूटे बर्तन होते हैं दोस्तों उनकी किस्मत भी टूटी फूटी होती है। राहु बहुत ही प्रबल होते हैं और राहु का प्रभाव घर में बहुत ही बड़ा असर करता है, जिनके कारण दोस्तों पेशों की समस्या बढ़ जाती है और माता लक्ष्मी भी इनसे रुष्ट हो जाती है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कभी भी घर में जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों शाम के समय खाना पीना होने के बाद घर के बेसिन में आप जूठे बर्तनों को अगर रखते हैं अपने दोस्तों किचन में जूठे वस्तुओं को रखते हैं बर्तन हो या फिर कोई भी वस्तु जो जूठा है दोस्तों अगर आप रहते रखते हैं तो दोस्तों आपके किचन में वास करने वाली अन्नपूर्णा देवी दोस्तों वो आपसे रुष्ट हो जाती है और धन की दिक्कत के साथ साथ आपको दोस्तों अन्न की भी दिक्कत होने लगती है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। माता लक्ष्मी अगर आपके जुनकाल से रुष्ट हो गई है तो दोस्तों आपको बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है कि गलती आपसे हुई है। दोस्तों आप ऐसे चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें रात में ही नहीं दोस्तों दिन में भी आपको किसी को ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर आप दान करने के प्रति हैं अगर आपके जुनकाल में खुशखबरी मिली है आपको सफलताएँ मिली है और आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ दान कर दें दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति को आप भोजन कराइएगा। दोस्तों ये नहीं कि दोस्तों आप रुपये पेशे को दे दिए और भेज दिए। दोस्तों अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया है कुछ मांगने के लिए आया है तो दोस्तों उन्हें सर्वप्रथम आप भोजन ग्रहण कराएं। साथ ही साथ दोस्तों आप उन्हें नए वस्त्र दिए और दोस्तों उन्हें नए कपड़े को देकर साथ ही साथ दोस्तों उन्हें प्रणाम करके विदा कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में हमेशा देवी देवता इन्हीं सब चीज़ों से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जी दोस्तों जो भक्त ऐसे करते हैं उनसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जो लोग उन्हें धुतकार देते हैं जो लोग वह मांगने आते हैं तो टूटे चप्पल खराब वस्त्र उन्हें दान कर देते हैं तो दोस्तों इनसे ईश्वर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और ईश्वर उनके जुनकाल में कभी भी खुश नहीं रहती जिनसे घर का प्रभाव नकारात्मक होने लगता है और दोस्तों उनके जुनकाल में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाती है नकारात्मक प्रभाव असर करने लगता है। इसलिए दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में ये सब गलती भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप किए हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं बस आपको क्या करना है कि आप किसी भी साधु संत को उन्हें नए वस्त्र दान कीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ उन्हें भोजन ग्रहण करके आप उन्हें शत शत नमन करके क्षमा मांगिएगा। दोस्तों आपको ईश्वर क्षमा कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में कौन से ऐसे चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए जिनसे आपका घर की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही खराब होती है बुरी शक्तियां आपके घर में वास करने लगती है। जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्री के मिले वस्तुओं को अपने पास नहीं रखते किसी और को दान कर देते हैं। जी दोस्तों ऐसे में दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि अब हो जाएं सावधान। अगर कहीं से कोई वस्तु आपको फ्री में मिला है कोई गिफ्ट किए हैं तो दोस्तों ये आपके किस्मत का धन है आपके भाग्य का धन है जो दोस्तों आपने अर्जित नहीं किया था और किसी और ने आपको दिया है। चाहे दोस्तों वो गिफ्ट आपके छोटे ही हो परंतु दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वे आपके कर्मों का फल था। ताकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान आपको गिफ्ट दिए हैं और वह गिफ्ट अगर आपको अच्छा ना लगे तो दोस्तों आप उन्हें किसी और को दे देते हैं। ये गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी है। इससे दोस्तों आप अपनी किस्मत पर स्वयं ही ठोकर मारते हैं आप अपने भाग्य को स्वयं ही खराब करते हैं। जी हाँ दोस्तों इसलिए आप भूल कर भी दोस्तों ये गलती अब मत कीजिएगा अपने जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग ऐसे करते हैं और जीवन काल में फिर संकट आने लगती है पेशों की दिक्कत होने लगती है फिर लोगों से सहायता मांगते हैं तो दोस्तों लोग भी उनकी मदद नहीं करते हैं। क्यों दोस्तों यही कारण होती है उनके गुरु ग्रह खराब हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी रुष्ट होती है साथ ही साथ कर्म फल देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कर्म फल देवता भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों इसलिए यह सब गलती अब ना करें। अगर आपने ये गलती की है अपने कर्मों के फल को ही ठुकराए हैं तो दोस्तों आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना है शनि मंदिर में जाकर दोस्तों आपको सरसों का तेल अर्पित करना है भगवान शनि के लिए दोस्तों आपको शनि मंत्र का जाप करना है। दोस्तों शनि मंत्र है ओम शन शंचराय नमः। दोस्तों इष्ट मंत्र का आपको एक माला जाप शनिवार के दिन करना है। इसे दोस्तों आपके कर्म फलदाता भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी गलती है उनसे दोस्तों आपको छुटकारा भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें इनसे दोस्तों आप सभी का जीवन बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आपके जुनकाल में
आपने किसी को अनजाने में कुछ खाने की वस्तु में शाम के बाद दे दिए हैं, तो दोस्तों इनसे आप सभी के जीवन काल में, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में शाम के बाद किसी को भी कुछ ऐसे वस्तुओं का दान किया है जो कि दोस्तों वर्जित है। तो दोस्तों इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए दोस्तों किसी भी गरीब व्यक्ति को कपड़े का दान कर दें, अन्न का दान कर दें। जी दोस्तों ध्यान रखिएगा वो शुक्रवार के दिन हो, और दोस्तों कोई ना मांगे तभी दान कीजिएगा। दोस्तों आप भुलाकर जो भी अशयोग्य व्यक्ति है अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और साथ ही साथ दोस्तों छोटे छोटे कन्याओं को दोस्तों आप वस्त्र भी दीजिएगा, उन्हें पेशे दीजिएगा। दोस्तों इसे माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी दोनों ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों आप इन उपायों को कीजिएगा, आपके जो भी दुर्भाग्य हैं, जो भी आपके हाथों गलती हुई है, वे सारी गलतियाँ दोस्तों शीघ्र ही खत्म हो जाएंगी और आप फिर से आप सभी के जीवन काल में माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी जी का वास होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब आप इन सब चीज़ों का दान करती हैं तो आपके जीवन काल में बहुत ही खर्चा आ जाता है, दुश्मन परेशान करने लगते हैं, बुरी शक्तियाँ आपके ऊपर छोड़ने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने ही उन्हें इन सब चीज़ों का दान किया है। तो दोस्तों इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए? दोस्तों आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये पाठ आप कम से कम 7 बार कीजिएगा, शनिवार और मंगलवार को मिलाकर 7 बार करना है, और एक माला आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो भी आपने गलती की है उन सब गलतियों को दोस्तों महाबली हनुमान जी के आगे आपको रखना है, बताना है, और दोस्तों सत सत नमन करके महाबली हनुमान जी से क्षमा मांगनी है, और दोस्तों खुद की रक्षा के लिए महाबली हनुमान जी से प्रार्थना करना है। दोस्तों आपके जन्मकाल में जो भी बुरी शक्तियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, वे सभी टूट जाएंगी, और दोस्तों फिर से आप सभी का जीवन मुक्त हो जाएगा और आप अपने जन्मकाल में खुशियों को देख पाएंगे। घर परिवार की जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उन सभी को ला पाएंगे, घर परिवार बिल्कुल ही खुश रह जाएगा, आपके जन्मकाल से कर्ज का भी बोझ उतर जाएगा। आपके जन्मकाल में दोस्तों जो भी संकट समस्याएँ वे सारे खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से धन की समस्याएं से जुड़ रहे हैं, जो दुश्मन आपके धन में बाधा खड़े कर दिए हैं, धन आने की संभावना आपकी रुक गई है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जब आप जाते हैं तो दोस्तों सुंदरकांड का भी आप पाठ कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप शिव को बता दें कि गरीबों में आपको जो भी प्रसाद है उन्हें बांटना है, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप शिव को ये उपाय कम से कम 7 मंगलवार तक करनी है। जी दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों जब भी आप सभी के जीवनकाल में कोई ऐसा आशाई व्यक्ति आता है तो दोस्तों उनकी मदद करने से आप बिल्कुल ही ना चुकें। अगर आपके पास कुछ है तो आप उन्हें ज़रूर ही मदद कीजिएगा, और अगर नहीं आपके पास कुछ है तो दोस्तों आपने मुंह खोलकर बोल दीजिएगा। दोस्तों ऐसे नहीं कि आप उन्हें धत्कार के भगा दें, दोस्तों ये गलती आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों अक्षर कर्म फलदाता भगवान शनिदेव अपने साधक के घर में यह शुभ कार्य करते हैं जिनसे वो उनके मन को देख सके। दोस्तों हालांकि वो अंतर्यामी है, आपके मन तन सभी को जानते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी जो भी स्थिति आपके जीवनकाल में ऐसी होती है, दोस्तों इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का दान भूल कर भी आपको अवश्य नहीं करना है, इनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में खुशियाँ सुख समृद्धि सब रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।